हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग आज क्या 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली फोटो। ओके, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स गिवन बाय ए इज इक्वल टू सन ऑन वन एंड, मतलब सन एक एंड में है, एंड बी इज इक्वल टू क्या फादर इन द मिडल। तो प्रोबेबिलिटी हमको तो फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा। समझ में आई बात? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो एम रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे कर रहा है, मदर को कर रहा है। जो एफ है फादर है, और जो एस है वो कौन है, सन है। ठीक है, तो बोल रहा है तो हम लोग को क्या करना है, रैंडम में है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो है दे आर इन रैंडम। तो पॉसिबल पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी यानी आउटकम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, तो जो सैंपल स्पेस है वो मदर, फादर, सन। एक बार फादर को हम लोग बीच में रखते हैं, फिर उसके बाद मदर को रखते हैं, तो फादर, मदर, सन, फिर एक बार हम लोग सन को बीच में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फादर, सन, मदर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे। तो फादर को तो बीच में रखे हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं, सन को इधर रख देते हैं, मदर को इधर रख देते हैं। उसके बाद हम लोग ये लेते हैं, तो मदर को बीच में रखते हैं, सन को इस साइड रखते हैं, फादर को इस साइड रखते हैं। उसके बाद हम लोग सन को क्या करते हैं, बीच में ही रखते हैं, अब मदर को इधर लिख लेते हैं, फादर को इधर लिख लेते हैं। तो हमारा जो आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स होगा वो ये होगा। तो इसका क्या हो गया, एन एस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, अब ए क्या कहता है, कहता है कि सन ऑन द वन एंड, कहता है तो क्या मान लेंगे, ई क्या है, इवेंट, इवेंट, इवेंट ऑफ सन ऑन वन एंड मान लेते हैं, ये इवेंट ये है। ठीक है, तो सन वन इन पे होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटकम्स क्या हो जाएगा, सन एक इन पर है, तो ये हो जाएगा एक, एम एफ एस, एफ एम एस, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा एस एफ एम एस एम एफ, ये भी नहीं होगा, ये चार हमारे पास हो गया। तो ये जो हमारा एन ए क्या हो गया, 4। ठीक, बी पर हम चलेंगे, कहता है कि फादर इन द मिडल इवेंट, इवेंट ऑफ फादर इन द मिडिल, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, फादर मिडिल में है, तो फादर मिडिल में है, तो एक ये तो हो गया एम एफ एस, और क्या होगा, एक हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो ये और ये दोनों, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि फादर मिडिल में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एम एफ एस और एस एफ एम,
ये, और एन बी क्या हो जाएगा, दो। अच्छा जब ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन एस होता है, यानी 4/6 यानी 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन एस यानी 2/6 यानी 1/3, है ना। अच्छा जी, अब बोल रहा है कि हमको निकालना है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी बी बाई ए, बी बाई ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, यही होता है। तो हमें ए भी तो निकल गया, हम इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना। तो इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमको इवेंट निकालना होगा ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ये ए है और ये बी में दोनों जो कॉमन है, तो ये एम एफ एस क्या इसमें है, ऑफ कोर्स यहाँ है, एस एफ एम है ऑफ कोर्स यहाँ पर भी है, तो हम लोग को यही दोनों लिखना होगा, एम एफ एस और एस एफ एम। तो इसका पॉज नंबर क्या हो जाएगा, दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना, तो इतना नंबर बाई एन एस, तो 2/6 यानी 1/3, है ना, 2/6 यानी 1/3। अब हम इसे पुट कर सकते हैं, नाउ ये मुझे पता है और ये भी मुझे पता है, इसी दोनों की ज़रूरत है मुझे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए का मान कितना है, 2 × 4 यहाँ, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 2/3। तो 1/3 और 3/2 ये कैंसिल, ये 1/2, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, यही हुआ हमारा आंसर। क्या किए, सबसे पहले हम लोग फादर मदर और सन को मान लेंगे, मानना ज़रूरी है क्या क्या लेटर माने हैं, उसके बाद हम ये रैंडम में है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, हम लोगों ने लिख दिया एन एस हमारा 6 निकल गया, इवेंट सन है लेकिन वो क्या है, 1 इंट पर है, तो 1 इंट पर हम लोग ये पॉसिबल आउटकम्स हो गया एन 4। तो बी क्या है, फादर इन मिडिल है, तो फादर मिडिल में क्या हो गया, 2 गो, तो ये 2। पी ए, पी भी निकाल लिए प्रोबेबिलिटी, अब चूंकि हमको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला, पी ए बाई बी निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हम लोग निकाले नहीं थे, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे, तो निकाल लिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे 1/3, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ गया 1/2 आंसर हुआ ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 12 नंबर क्वेश्चन। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, विच एज्यूम वैल्यू x1, x2, x3, x4 सच दैट 2px = x1 = 3px = x2 और px = x3 5px = x4, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हम लोग का, ये कितना नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है, है ना। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है, कहता है कि लेट क्या है, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, एज्यूम्स वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स वन
एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, सिंस गिवेन टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू थ्री पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री इज इक्वल टू फाइव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स थ्री को हम लोग मान लेंगे a, तो लेट p x इज इक्वल टू एक्स थ्री को हम लोग मान लेते हैं a। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी को मान सकते हैं, हम लोग इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, a b c जो तुम्हारा आपका मन करे वो आप मान सकते हो। इससे इसलिए मैंने माना क्योंकि इतना इक्वल टू अगर हम ये लिखते हैं तो मुझे थोड़ा आसानी होगी, कैलकुलेशन में हमारा आसान होगा, नहीं तो अगर हम इसे मानते हैं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम लोग ये मानते हैं। आप लोग चाहें तो इससे भी मान के बना सकते हैं, इसे भी मान के बना सकते हैं, इसे भी मान के बना, जो आपका दिल करे आप बना सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री ए मान लिया, तो चूंकि ये और ये बराबर है, सिंस टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन बराबर है किसके, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री के, तो ये ए है और टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स वन क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब हम लोग सारा नहीं लिखेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, थ्री पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू है तो एक्स टू क्या आ जाएगा, ए बाई थ्री, तो पी एक्स इज इक्वल टू जो एक्स टू आ जाएगा वो ए बाई थ्री आ जाएगा। ठीक उसी तरह से पी एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर जो आ जाएगा वो ए बाई फाइव आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी फाइव पी एक्स इक्वल टू एक्स फोर इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली बात हमको ये निकालना है, तो ये फाइव नीचे आ जाएगा और इतना हम ए माने हैं तो ये ए बाई फाइव, तो ए बाई फाइव। ठीक उसी तरह से ये भी निकला है, ये भी निकला है, ये निकल गया। ठीक अब हम लोग जानते हैं कि सारे प्रोबेबिलिटी का जो ऐड होता है वो वन होता है, तो नाउ हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, पी एक्स वन है, पी एक्स टू है, पी एक्स थ्री है और प्लस पी एक्स फोर है, फोर प्रोबेबिलिटी है, इस सब को हम ऐड कर दिए तो ये हमारा वन, क्योंकि सब प्रोबेबिलिटी का जो सारे प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा वन ही मान आता है, हम जानते हैं इस बात को। तो एक्स वन जो है ये ए बाई टू है, एक्स टू जो है ए बाई थ्री है, एक्स फोर जो है ए बाई फाइव है, और ये तो ये ए है ना, तो चलो अब वन ही लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, काटना सही नहीं है, तो ए बाई फाइव इज इक्वल टू वन। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, पाँच, ये सब अलग अलग है तो गुना करते हैं, पाँच या पंद्रह, पंद्रह तो नहीं तीस है ना, छः पच्चीस तीस, अच्छा तो ये करते हैं तो फिफ्टीन ए, अच्छा ये करेंगे तो दस या तीस, थर्टीन थ्री ए प्लस थर्टी ए प्लस पाँच छत्तीस इक्वल टू वन, तो कितना हो जाएगा, तीस दस चालीस, दस पचास, दस साठ और एक इकसठ, सिक्सटी वन ए बाई थर्टी इक्वल टू वन, इसलिए ए जो हो जाएगा थर्टी बाई सिक्सटी वन, ये हमारा ए का मान होगा। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, नाउ क्या निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये x है, तो ये x1, ये x2, ये x3 और ये x4,
और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई लिख देते हैं, है ना, ये 1 2 3 4 5 का। अच्छा ये एक सेकेंड, ये एक्स आई मैं लिख देता हूँ यहाँ और पी एक्स आई मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये कुछ इस तरह से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री पी एक्स आई, मतलब ये 1 2 3 4 का। तो ये कितना था, ये तुम्हारा ए निकला था, है ना। अच्छा ये ए बाई टू और ये था ए बाई थ्री, ये ए बाई फाइव, इसका सारे का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले हैं। तो ये कितना आया है, ये अब ए का मान आ गया कितना, 30/61। इसका मान कितना आया है, 30/61/5, तो 5 6 30, 6/61। क्योंकि अगर हम यहाँ क्या लिखते हैं, अगर हम 5 करते हैं तो 5 6 30 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा कितना, 3, तो 10/61। और ये आ जाएगा 15/61। ये क्या ए का मान आ गया, है ना। ये हमारा क्या आ गया, ये ए का मान हमारा आ गया। ओके चलो, अब हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी का मान ये ही प्रोबेबिलिटी का मान हो गया, ये 1, ये एक्स टू, ठीक है, ये हो गया, ये 1 2 3, मतलब यही हमारा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आंसर ही होगा हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स वन का मान हम लोग निकाले हुए हैं, एक्स वन का मान क्या हुआ, ए बाई टू, और इसका ए बाई टू और ए का मान हम लोग निकाल लिए ये, और इसका मान अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बाई टू है, तो अगर हम ए बाई टू अगर हम इसे पुट करते हैं तो ये बाई टू, तो ये 15/61 और ये 10/61 और ये 30/, क्योंकि ये का मान 30 ए है, ये 30/61 और ये अगर 5 है, क्यों, क्योंकि एक्स फोर क्या है, ए बाई फाइव, तो ये हो जाएगा 6/61, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये दिया हुआ है, इसका मान हम लोग, इसको हम लोग ए मान लिए, फिर उसके बाद हम लोग इसकी सहायता से इक्वेट कर हम लोग एक्स वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन का मान निकाले ए बाई टू, फिर उसके बाद एक्स टू का मान निकाले ए बाई थ्री, एक्स फोर का मान निकाले ए बाई फाइव, सारे प्रोबेबिलिटी का मान 1 होता है, ए का मान निकाल लिए सबको ऐड करके 3/, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी में डाल देंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्स वन का क्या था, ए बाई टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ए का मान डाल दिए फिर 2, तो इतना आ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर ये 10/61, 30/61, 6/61, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, ये सवाल बनाते हैं, और वाला एक और सवाल है, तो ये 12 का और सवाल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ट्वेल्व का और ये कहता है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड 5 times, एक क्वाइन है, एक सिक्का है, उसे 5 बार उछलाया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 में क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट फोर हेड एंड एटमोस्ट 4 हेड, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अ क्वाइन इज टॉस्ड 5 times, अगर हम एक क्वाइन को 5 बार टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, तो पॉसिबल
कम्स कितना हो जाएगा, 2^5। क्यों? क्योंकि हम लोग पाँच, हमारे पास पांच बार टॉस किया है ना, तो 2^5, 2 × 4, 2 × 8, 16, 16 × 32, यानी 32 हमारा पॉसिबल आउटकम्स होगा। अब हम लोग को कहता है कि क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी क्या एटलीस्ट 4 हेड। तो हम मान लेंगे कि लेट ए क्या है, इवेंट्स ऑफ गेटिंग, लेट ए क्या है, इवेंट्स ऑफ गेटिंग एटलीस्ट कितना, 4 हेड्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर हम सिक्का को पांच बार चलाते हैं तो जिसमें से हमको कम से कम 4 बार हेड आना चाहिए, है ना। तो अगर हम सिक्का को पांच बार उछलाएं तो 4 बार हेड हम निकाल लिए, मेरा आ गया। एक हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है और एक टेल का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होता है, तो 1/2 हेड का प्रोबेबिलिटी, और हेड कितने बार आया, 4 बार, और 1/2 प्रोबेबिलिटी होता है टेल का। तो जब हेड 4 बार आ गया तो टेल कितने बार आएगा, एक ही बार, क्योंकि लोग पांच बार सिक्का उछला रहे हैं। अब कहता है कि एटलीस्ट 4 हेड आना चाहिए, कम से कम 4 हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 बार उछला रहे तो 5 बार हेड आ सकता है। तो 5 बार हम लोग कॉइन उछलाएं, हम लोग को 5 का 5 बार हेड आ गया, ठीक है। तो 5c5, अब हेड का प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो हेड तो 5 बार आ चुका है, और टेल का भी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो टेल तो अब आया ही नहीं था, यानी 0, है ना। अब NCR का हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए, तो NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। तो इसी पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो NCR, तो NCR का अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा कितना, यह हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, यानी 5, यानी 5 आएगा, ओके। और इसका NCN फैक्टोरियल 1 ही होता है, यानी 5C5 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये कितना आया, 5 इंटू 1/2 का 4, यानी 1/2 × 4 × 8 = 16 इंटू 1/2 प्लस ये 1 इंटू 1/32 इंटू, अब किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो 1, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का सेम कितना, इसको हम लोग करते हैं 5/32 प्लस 1/32 क्या हो जाएगा, 6/32। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, है ना, यानी 6/32 यानी 3/16। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मेरा आया 3/16 जो है, ये क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड। तो एक का तो आंसर आ गया हम लोग का। अब हम लोग सेकेंड में चलते हैं, ये फर्स्ट था, कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा, कहता है एटमोस्ट 4 हेड। अब एटमोस्ट 4 हेड आना चाहिए, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों 4 ही 4 है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे कि बी क्या है, एक इवेंट मान लेते हैं ना, इवेंट्स ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 4 हेड, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 3/16, 16 − 3/16 कितना हो जाएगा, 13/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी आ गया वो इतने, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 13/16। ये हमारा दोनों का आंसर होगा, समझ में आई बात। करना क्या था, हम लोग को पांच, एक कॉइन को 5 बार
टॉस करना था और हम लोग को एक निकालना था कि प्रोबेबिलिटी निकालना एटलीस्ट 4 हेड एंड एटमोस्ट 5 हेड, 4 हेड सॉरी। तो हम लोग क्या एक इवेंट मान लिए ए गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड, तो इसका ध्यान से सुनते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है एटलीस्ट 4 हेड का, है ना। तो 5 कॉइन है हमारे पास, अगर हम 5 बार उछलाएंगे तो हमको 4 हेड आना चाहिए। तो 4 बार सपोज दैट हेड आ गया, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 4 बार आया हुआ। फिर टेल का प्रोबेबिलिटी अब 1/2, तो एक बार तो टेल आएगा ही, तो ये हो गया। अब एटलीस्ट है, कम से कम 4, मैक्सिमम से 5 आ सकता है। तो मान लेंगे कि 5 बार उछलाया, 5 बार हेड आ गया, हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, ये 5, ओके, क्योंकि 5 बार आया है और 1/2 तो हेड तो आया है, टेल तो आया नहीं, तो इसलिए 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/16। उसके बाद गेटिंग ऑफ मोस्ट 4 हेड, है ना, तो दोनों का सम 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 1 - 3/16, तो हमारा आंसर आया 13/16, तो दोनों का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके चलिए।